तो आज मेरे पास एक चाइना टीवी का मदरबोर्ड यानी कि टीवी आ गया है। तो देखिए इस टीवी में लो पावर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बोर्ड को देखते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है, चेक कर लेंगे। ये टीवी में लो वोल्टेज है, तो इसको वोल्टेज कैसे बढ़ाएंगे हम, तो पहले दोस्तों वोल्टेज नाप लेते हैं कितना आता है। तो देखते हैं वोल्टेज हमारे 100 के लगभग है, तो फिर भी सेट ऑन नहीं हो रहा है, स्टैंड बाई नहीं हो रहा है। तो हमको पहले ये 100 वाट का बल्ब जोड़ देते हैं, इसमें लोड दे देते हैं। लोड देने के लिए 100 वाट का बल्ब चाहिए। 100 वाट का बल्ब जोड़ देते हैं नेगेटिव पॉजिटिव में, 110 वोल्ट सप्लाई में एक तार और एक ठो नेगेटिव में। अभी पावर देते हैं, पावर दे के देख लेते हैं कितना वोल्टेज है। देखते हैं बल्ब तो बहुत कम जल रहा है, और इसको वोल्टेज देख लेते हैं नाप के। इसमें 35-36 वोल्ट आता है अभी लोड देने के बाद। तो दोस्तों तो हमारा कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर है इसमें। आउटपुट पावर आउटपुट में ही प्रॉब्लम है, इनपुट सही है। तो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो फिर से हम एक बार इसको पावर देके देख लेंगे जो कहाँ कहाँ वोल्टेज सही है, कहाँ शॉर्ट हुआ है देख लेते हैं। तो देख लेते हैं वोल्टेज इसमें 8-10 वोल्टेज रहता है, इसमें भी कम तो होगा ही। और देखते हैं यहाँ जो ऑडियो सप्लाई का आईसी है वहाँ वोल्टेज आता है, वहाँ बहुत सबसे ज़्यादा कम है। तो थोड़ा बोर्ड को उल्टा के देख लेते हैं कहाँ क्या है। हाँ दोस्तों देखते हैं जो इसमें हमारा जो ऑडियो आईसी है उसमें बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है ऑडियो आईसी में, यानी कि वो शॉर्ट है, इसीलिए हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, बहुत हीट होता है। उंगली से देखते हैं बहुत हीट है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, उसका सप्लाई वाला पिन जो है उसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं जो कितना वोल्टेज आता है अभी। सप्लाई वाला पिन कौन सा है यहाँ से देखिए, जो ऑडियो सप्लाई कहाँ से गया है। तो देख लेते हैं जो ए वाला पिन है, तो ए वाला पिन को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम देख लेंगे वोल्टेज को जो कितना वोल्टेज आता है। तो ओपन सोल्डरिंग आयरन से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देख लेंगे कितना वोल्टेज आता है। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। हम ऐसा वीडियो लाते रहेंगे आप लोग के लिए, कभी ना कभी वीडियो आते बनाते रहेंगे। आप लोग अगर लाइक शेयर कीजिएगा तो हमारा मन में उत्साह होगा और मैं कुछ ना कुछ वीडियो बनाते रहूँगा। हाँ तो दोस्तों अभी देखिए जो हमारा 100 वाट का बल्ब है ज़्यादा जल रहा है, यानी कि वही शॉर्ट था। अभी वोल्टेज नाप के देख लेते हैं कितना वोल्टेज है। वोल्टेज देखिए दोस्तों 120 से लगभग आ गया, वो भी इसमें जो लोड दिए 100 वाट का बल्ब उसमें 120 आ गया है। तो हमको थोड़ा कम करना पड़ेगा, ये प्रीसेट जो है प्रीसेट को थोड़ा एडजस्टिंग करके 110-8-10 से नीचे कर लेंगे थोड़ा, तो हमारा वोल्टेज सही होगा और कोई पार्ट्स जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो हम कम कर लिए हैं, तो वोल्टेज हमारा सही हो गया। देखिए जो 110 से 15 के बीच में है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल वाला जो सेक्शन है
उसमें 2.2 या 3.3 ओम्स का एक रेजिस्टर रहता है, उसको हम लोग एट ओ वायर था छोटा हुआ, ये फोकस वाला वायर है जो सीआरटी बेस में लगता है, उसको हम लोग लगा लेते हैं पहले, फिर हॉरिजॉन्टल वाला कनेक्शन कर लेंगे। तो देखिए सोल्डरिंग कर लेते हैं। चाइना पोर्ट जो भी हो सब एक ही टाइप का होता है, किसी में एसटीआर रहता है, किसी में 1802 का ट्रांजिस्टर पावर सप्लाई में होता है। तो देखिए इसको हम लोग बेस में लगा देते हैं। बेस में लगाने के बाद बेस को सही ढंग से खोल लेते हैं, खोलने के बाद हम लोग लगा लेंगे जो बेस का वायर, फोकस वाला वायर बेस को खोलना पड़ेगा थोड़ा, उसमें खोलने के बाद ही वो लगेगा अंदर। खोल दिए, खोलने के बाद ये वायर जो है उसका बेस का पिन जो है उसमें हम लोग लगा लेंगे, उसको अच्छा से सोल्डरिंग कर लेते हैं और फिर से सोल्डरिंग कर लेते हैं अच्छा से। सोल्डरिंग हमारा हो गया, इसको फिर से ढक्कन लगा देते हैं और बेस को फिर से हम लोग सीआरटी में अच्छा से लगा लेंगे जो कहीं टूटे ना, सही अच्छे धीरे धीरे से हम लोग लगा लेंगे। और क्या बोलता है जो अभी जो वोल्टेज देख लेते हैं जो हॉरिजॉन्टल में हमारा वोल्टेज आता है क्या नहीं। पहले हम लोग खोल देते हैं हॉरिजॉन्टल वाला रेजिस्टेंस पावर सप्लाई, जब हम लोग ठीक ठाक करेंगे ना उसके लिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वाला रेजिस्टेंस 2.2 ओम्स का जो है वो खोल लेते हैं। तो अभी हम लोग जोड़ देंगे, अभी सही हो गया हमारा पावर सप्लाई, वोल्टेज रेगुलेटर सही से काम कर रहा है, तो लगा लेंगे। देखिए ये जो है 2.2 ओम्स का वहाँ पर हम लोग सोल्डरिंग कर लेंगे। ये जो सोल्डरिंग कर लिए उसको, अभी हमारा जो हॉरिजॉन्टल इनपुट में 110 वोल्ट जाने वाला है। तो सोल्डरिंग हो गया दोस्तों, तब हम लोग क्या करेंगे अभी फिर से इसको पावर दे देंगे। पावर दे देते हैं, पावर देने के बाद देखते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल में जो वोल्टेज गया है क्या नहीं। देखिए हॉरिजॉन्टल में वोल्टेज गया है, अभी हमारा जो ये है टीवी के सामने देखते हैं हमारा टीवी ओके, यानी कि टीवी हमारा सही हो गया है, इसमें सब कुछ ओके है। तो दोस्तों हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ऐसा वीडियो हम लोग लाते रहेंगे आप लोग के लिए। जय हिंद, नमस्कार।